हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने आपको चैप्टर थर्ड के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करवाए थे। आई होप आपने उन्हें ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आगे के क्वेश्चनों को हल कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से कहता है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज, जो तुम्हारी एज उस समय थी, उसका 7 टाइम्स था। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है, आई सेल बी 3 टाइम्स, कि मैं 3 गुना हो जाऊँगा एज ओल्ड एज यू विल बी, कि 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी उसका मैं कितना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स। रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, वो कहता है इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, कौन कौन से, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखिए, इसमें आपको दिया हुआ था कि जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से पहले बात करता है 7 साल पहले की, और सेकेंड उसमें बात करता है वो 3 साल बाद की। तो इसमें हमें जो एल्जेब्रिकली हमारी 2 इक्वेशंस बनेंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आफ्ताब है उसकी और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज माननी होगी। ओके, तो लेट से मानेंगे हम, लेट का मतलब होता है मानना। तो लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, हमने मान लिया कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स, एंड डॉटर प्रेजेंट एज, और जो उसकी डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, वाई। हमने दोनों की प्रेजेंट एज मान ली। ओके, अब इसमें पहले बार जो कंडीशन थी वो क्या थी, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब चीज, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, देखो अभी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स, तो 7 साल पहले क्या हो गई, 7 ईयर्स एगो, एक्स माइनस 7। जैसे सपोज कीजिए आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, ओके, तो आपकी 5 साल पहले जो एज है, 5 ईयर्स बिफोर, आपकी एज क्या थी, 10 ईयर्स, तो हमने क्या किया है उसको माइनस, तो बिफोर के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, आफ्टर के लिए हम क्या करेंगे कि 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, अब 15 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके, तो इसमें देखिए आफ्ताब की एज क्या होगी, एक्स माइनस 7, और उसकी डॉटर की एज कितनी थी, 7 ईयर्स एगो, वाई माइनस 7। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, तो इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कंडीशन हमें दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसमें हमें कंडीशन दी हुई है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था उस समय, जो आपकी एज थी उसका 7 टाइम्स। तो देखिए उस समय ये था जो आफ्ताब, ये 7 टाइम्स था, तो एक्स माइनस 7 ये इसकी एज होगी आफ्ताब की, ये किसके बराबर थी, 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स माइनस 7 इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस माई 49। अब जो वेरिएबल है उनको एक साइड कीजिए और जो नंबर है उनको एक साइड कीजिए, तो एक्स इधर हम 7y को लेके आएंगे, पॉजिटिव इधर ये प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। इधर हमारा माइनस 49 है, ये 7 इधर माइनस का था, जब आप इसको राइट में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर देंगे, प्लस माइनस है तो ये कितना बच गया, माइनस 42। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम देखते हैं आगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसमें हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। 3 साल बाद हमें कंडीशन दी हुई है कि 3 साल बाद, पहले हम इन दोनों की एज लेते हैं, तो 3 साल बाद अब उसकी जो एज है वो एक्स है, तो आफ्ताब एज। ओके, आफ्ताब एज, जो आफ्ताब एज है वो क्या हो जाएगी, 3 ईयर्स बाद, एक्स प्लस 3। ओके, डॉटर्स एज, उसकी जो बेटी है उसकी एज क्या हो जाएगी, वाई प्लस 3। अब इसने कंडीशन क्या रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, इसने बोला है आई सेल बी 3 टाइम्स, कि जो आफ्ताब की एज है ये किसके 3 टाइम्स हो जाएगी, उसकी बेटी की एज के 3 टाइम्स। अब ऐसे ही हम इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 9। एक्स वाई वेरिएबल को एक साइड कीजिए, इधर 9 है जो आपका पॉजिटिव है, प्लस का है, माइनस इधर हो गया आपके 3,
अब एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, में से आपने थ्री माइनस किए कितने बचे हैं सिक्स। ओके अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, और सेकंड है हमारे पास एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब आगे हमें क्या करना है इसको, ये हमारा हो गया एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकली, और ग्राफिकली के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए, उसके देखिए क्या करना है हमें, एक टेबल बनाइए। यहाँ पर आप एक्स वाई, ओके तो पहले हम इक्वेशन नंबर वन से सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लीजिए हम एक्स को लेते हैं जीरो, सपोज कीजिए एक्स जीरो है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे एक्स कीजिए हमने जीरो पुट कर दिया है, माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, वाई इज इक्वल टू माइनस दोनों साइड है कैंसिल हो गया, फोर्टी टू अपॉन सेवन इज इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ से हमारी जो वाई की वैल्यू है वो क्या आ गई सिक्स। तो ये एक सॉल्यूशन हमारे पास हो गया है। अब इसके एक वैल्यू और पुट करते हैं हम, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखी है सेवन। ओके हम मानते हैं एक्स को सेवन, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, हम पुट करेंगे सेवन माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। ओके अब यहाँ से माइनस सेवन वाई इधर रह गया आपका, सेवन को हम उस साइड लेके जाएंगे, माइनस फोर्टी टू और माइनस सेवन कितना हो गया फोर्टी नाइन, यहाँ माइनस सेवन वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, अब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास सेवन। तो यहाँ पे हमारे x की भी वैल्यू सेवन है और उससे सॉल्यूशन y का भी क्या निकला है सेवन। तो एक टेबल हमारे पास हो गई है इक्वेशन वन की। ओके अब हम बात करते हैं इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू देखिए, इक्वेशन टू है हमारी x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू। तो सेम वही हम क्या करेंगे, इससे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमने एक्स वाई, तो एक्स की जगह हम मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं जीरो, तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह जीरो लिया, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ पर आपका माइनस ये सॉरी वाई की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो गया, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आपका इस साइड चला जाएगा, माइनस टू डिवाइड करके वाई की वैल्यू क्या आ गई है माइनस टू। अब हम इसको जो सेकंड है, अगर इसको हम वाई को जीरो रखते हैं इसमें, ओके वाई को जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो गई जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या बच गई सिक्स। हमें एक्स वाई की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, तो आप ऐसा कीजिए कोई वो सॉल्यूशन निकालिए जिससे हमारी एक्स वाई की वैल्यू छोटे से छोटे आ सके। ओके अब हमारे पास दोनों टेबल आ चुकी है जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आप पहले बना चुके, आप सभी को पता है, सबसे पहले हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो लाइंस लेंगे। तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है जो हमारी एक्स एक्सिस है, ओके और ये वर्टिकल जो लाइन है ये हमारी क्या है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम इनमें नंबर डालेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट होता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है दोनों लाइंस का, यहाँ पर जीरो होता है। ओके उसके बाद हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट तक नंबर डाल लीजिए, ऐसे इधर डालिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब ये जो दोनों नंबर है ये पॉजिटिव रहेंगे, जो एक्स की हमारी राइट साइड है और वाई की जो अपर है उन दोनों में पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, ऐसे इधर माइनस आएंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन। अब हम यहाँ से पहले इक्वेशन वन के सॉल्यूशन लेते हैं। इक्वेशन वन के सॉल्यूशन हमारे थे, एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू सिक्स, एक्स की वैल्यू जीरो, तो देखिए एक्स एक्सिस हमारी ये लाइन है, ओके यहाँ पर एक्स की जीरो ये वैल्यू है, तो वाई की क्या थी सिक्स, और वाई की जो वैल्यू सिक्स है वो हमारे पास थी, देखिए वाई का सिक्स यहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया है, एक्स का जीरो वाई का सिक्स। जो सेकेंड सॉल्यूशन था वो दोनों का सेवन, तो एक्स का सेवन आपको पता है ये है और वाई का सेवन ये है, तो यहाँ इन दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल से मिलाएंगे, आपको स्केल का यूज करना है, मैं विदाउट स्केल इसको यूज मैच कर रही हूँ,
तो आप स्केल की सहायता से इन्हें मिलाइए। और यहाँ पर हमारे जो इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी हमारी, हमने अभी इक्वेशन निकाली थी, तो जो इक्वेशन है वो है हमारी एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। तो हम पर ये इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू फोर्टी टू माइनस। ओके, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन वन का सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन जो हमारी थी ये है x की जीरो y की वैल्यू माइनस टू। तो x की जीरो ये रहा और y की वैल्यू माइनस टू हमारा ये है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड है x की वैल्यू सिक्स और y का जीरो, x की वैल्यू सिक्स और y का जीरो, तो ये वैल्यू भी हमारी इसी पे हो गई। तो ये तो लाइन हमारी सेम x एक्सिस पे आ गई, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है इस क्वेश्चन की। तो आगे की जो दो क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, वो क्वेश्चन भी आप इसी वीडियो की हेल्प से सॉल्व कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।